सबसे पहले धीरेन्द्र जी आपको बधाई दे दू, आपकी मेहनत रंग लाई। आज चिराग पासवान जी और अमित शाह जी की मीटिंग हो गई और एक गठबंधन भी तय हो गया। और ये तो हम लोगों का एक स्टैंड क्लियर रहा है कि जब जब भी एनडीए को जरूरत पड़ा है, हम अभी तक नहीं भी थे, तब भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने दीपक जी हमसे अगर बिहार के उपचुनाव में सहयोग मांगा है तो हमने दिया और वहां से सीटें निकल कर आई हैं। और एक तरफ देखिए कि कभी भी 2014 से लेकर के आप देख लीजिए, कभी भी हमारे नेता का एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के बारे में या नीतियों के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी हो या भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमारे नेता के बारे में भी कभी इसी तरह की टिप्पणी नहीं रही है। स्वच्छ छवि के हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, स्वच्छ छवि के नेता हमारे पार्टी के भी नेता हैं। बिहार में बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, युवाओं के पसंद है। निश्चित तौर पर आज एक तरफ भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा हो रहा है। धीरेन्द्र जी, ये वही पार्टी है बीजेपी जिसने आपकी पार्टी को तोड़ा था, भूलिए मत। दीपक जी, मैं उसको बिल्कुल नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन किस परिस्थिति में और उसके बैक में डायरेक्टर कौन था जरा उसको भी आप याद करिए। दीपक जी, आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? नीतीश कुमार जी किस परिस्थिति में कंपेयर कर करके क्या क्या नहीं किया है, मैं तो पूरे पूरे तौर पर उनको दोषी मानता हूँ। नीतीश कुमार जी, ललन जी, उनको मैं बराबर दीपक जी उनको पॉलिटिकल डायनामाइट में बोलता हूँ। आज तक जदयू के लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टियों को तोड़ने का काम किया है बिहार में, आरजेडी ने भी तोड़ने का काम किया है। आज ये लोग कह रहे हैं कि एनडीए और बीजेपी किसी को तोड़ रही है, अरे खुद का घर संभलता नहीं है, खुद का कुनबा संभल नहीं रहा है तो कैसे आप दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं। और कांग्रेस के आप देखिए ना, जितने भी लोग आज बेंगलुरु में जुट रहे हैं, ये क्या है, सभी लोगों के ऊपर में कुछ ना कुछ आरोप है। और ब्रांड एम्बेसडर इनके कौन बने हुए हैं? आदरणीय लालू प्रसाद जी, खुद सजायाफ्ता आदमी, देश में भ्रष्टाचार मिटाने की कसम और वादे लेकर जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता इसको नहीं समझ रही है क्या? उसमें से आधे आदमी बेल पे है, आधे आदमी जेल रिटर्न है, और उसके बाद में ये लोग कह रहे हैं कि देश में हम एक अच्छी साफ सुथरी और एक संवैधानिक सरकार देंगे, जिनको खुद संविधान पे विश्वास नहीं है, जो संविधान पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने को तैयार है। नए संसद भवन का इन लोगों ने बायकॉट किया, इनके गठबंधन के लोगों ने कहा, महागठबंधन के लोगों ने कि ये ताबूत है, इनको सदन ताबूत नजर आता है। वो आदमी कह रहे हो कि देश में हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, ये लोकतंत्र नहीं बचाना, ये तो खुद को बचाने का एक प्रयास है और ये मजबूरी की एकता है, ये कोई मीटिंग है नहीं। भ्रष्टाचार के पैसे पे टीनर की पार्टी चल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि देश के लोग इन लोगों को पहले मौका दे चुके हैं दीपक जी, और ये लोग रिजेक्टेड माल है, एक्सपायरी है, रीपैकेजिंग करके फिर से परोसने का एक नया सिलसिला चलाए हैं, लेकिन टेस्ट सबको पता है पार्टियों का। आलोक शर्मा जी, सीधा सवाल, 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले दलों का ये महागठबंधन है, प्रधानमंत्री पहले दिन से और बीजेपी पहले दिन से यही नैरेटिव सेट कर रही है इस नए गठबंधन के बारे में। देखिए, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, 9 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया उनको प्रधानमंत्री बने हुए। अगर 30 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ जो भी कहते हैं ये, अगर इतने लाख करोड़ का घोटाला हुआ तो प्रधानमंत्री महोदय आप 9 साल से पकौड़े तल रहे थे इस सरकार में बैठकर। 2014 के बाद आप एक FIR नहीं कर पे आए जिसके अंदर एक भी व्यक्ति को कन्विक्ट किया हो। 9 साल के अंदर आप प्रधानमंत्री रहे, आपने केवल ED और CBI का दुरुपयोग किया, इसका मतलब आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं भ्रष्टाचार की और तमाम चीज़ों की, और सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने यहाँ पर अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। एक दिन आप कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ूंगा, 71,000 करोड़ का घोटाला NCP ने किया, और आप नाम लेकर कहते हैं पार्टियों के, और 2 दिन के बाद आप उनको वहां पर शपथ दिला देते हैं। देश के प्रधानमंत्री, थोड़ी सी तो लज्जा कीजिए आप। इतने कमजोर प्रधानमंत्री देश को आज से पहले कभी नहीं मिले। आप हमेशा से जिस तरह का नैरेटिव बनाते आए, देश की जनता ने उस पर भरोसा किया, लेकिन अब देश की जनता की आंखें खुल गई हैं। क्या आपने चाहे जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहा हो, आप कहते ही उसके लिए हैं जिनको आपको अपने दल में मिलाना होता है। हेमंत बिश्व शर्मा की CD आई, एक पत्रकार महोदय ने अमित शाह जी से पूछा, क्या हेमंत बिश्व शर्मा अब भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं, तो कहते हैं चलो हटो। आपने जिन जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहा, कांग्रेस को आपने भ्रष्टाचारी कह के
वो जिस तरह से अन्ना हजारे के आंदोलन को सपोर्ट करके और पूरे देश को बरगलाया, आज देश जानना चाहता है आपसे पेगासस किस किस के। अन्ना हजारे के आंदोलन वाले तो आपके बगल में बैठे हैं बेंगलुरु में, आलोक शर्मा जी आप भूल रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के लिए आपने एक विशेष प्रस्ताव किया कि अध्यादेश के खिलाफ हम समर्थन देंगे आपको। दीपक जी देखिए, हमने अध्यादेश, क्योंकि वो अध्यादेश संविधान के खिलाफ है, हमने अध्यादेश को पूरी तरह से आज नहीं, हमने हमेशा से तमाम मुद्दों के ऊपर विपक्ष का साथ दिया है और आज हम अध्यादेश के साथ। आप ही कह रहे हैं अन्ना हजारे के आंदोलन वाले, लेकिन असली तो आपके साथ हैं। एक मैं आता हूं अन्ना हजारे, अरे भाई अन्ना हजारे के आंदोलन को किसने सपोर्ट किया पूरा देश जानता है कि आरएसएस ने सपोर्ट किया। तो भाई उन्हीं अरविंद केजरीवाल को आपने साथ ले लिया, देश के प्रधानमंत्री, मतलब आरएसएस के प्रत्यक्ष समर्थक को आपने साथ में ले लिया अरविंद केजरीवाल। एक मिनट दीपक जी मैं फिर आता हूं वापस। देश के प्रधानमंत्री ने कहा पीडीपी और एनसीपी और तमाम दल चोर हैं, पीडीपी के साथ सरकार बनाई। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल मेघालय का है, मेघालय की पूरी सरकार चुनाव के बाद जेल चली जाएगी और उसके बाद क्या हुआ कि उन्हीं लोगों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। तो जो मोदी जी का भ्रष्टाचार से लड़ाई की बात है वो पूरी तरह से नकली है, क्योंकि सरकार बंगारू लक्ष्मण की सरकार है, ये व्यापम वाली सरकार है, ये पेगासस वाली सरकार है, ये ईडी और सीबीआई वाली सरकार है। जो अपनी सरकार अपने ईडी डायरेक्टर को ही नहीं बचा सकती, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, आप देखिए किस तरह से वो लड़ाई लड़ेगी कि अपने ही अधिकारी गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हों, नोटबंदी का काला पैसा हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का काला पैसा इनके पास आते हो, और देश के प्रधानमंत्री को तो लज्जा आनी चाहिए। पीएम केयर्स फंड का आप हिसाब नहीं दे सकते, आप दूसरों पर उंगली उठाते। मोदी जी आने वाला समय आपके लिए बहुत गंभीर होगा, 2024 में आपकी सरकार भी जाएगी और आपके सारे काले कारनामे भी बाहर आएंगे। ठीक है लंबा बोल लिया, कोई बात नहीं, मैंने ही आपसे दो क्रॉस क्वेश्चन किए थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में। Z News.